देखो मेरे पास क्वेश्चन क्या है, ए बोट गोज 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 10 आवर्स, ठीक है। इन 13 आवर्स इट कैन बी गो फॉर 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, ठीक है, डिटरमाइन द स्पीड। तो देखो हमें क्या करना है, सबसे पहले बोट की स्पीड मान ली हमने एक्स है, ठीक है, बोट की स्पीड इज इक्वल टू एक्स, ठीक है, और स्ट्रीम की स्पीड मान ली हमने, स्ट्रीम की स्पीड मान ली वाई है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अप स्ट्रीम की स्पीड कितनी आ जाएगी, जब अप स्ट्रीम होगी तो बोट की स्पीड आ जाएगी एक्स माइनस वाई, ठीक है, और जब डाउन स्ट्रीम होगी तब कितना आएगा, एक्स प्लस वाई, ठीक है। अब देखो हमारे पास टाइम क्या होता है, टी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड वी, ठीक है। तो अब देखो पहले में टाइम कितना लग रहा है, टोटल 10, ठीक है, तो डिस्टेंस कितनी है, सबसे पहले हम अप स्ट्रीम की ले लेते हैं, तो वो है 30 डिवाइडेड बाई अप स्ट्रीम, स्पीड कितनी है एक्स माइनस वाई, ठीक है, प्लस डाउन स्ट्रीम में डिस्टेंस कितनी है, 40 डिवाइडेड बाई डाउन स्ट्रीम में स्पीड कितनी है एक्स प्लस वाई, ठीक है। एक इक्वेशन ये बन जाएगी अपने पास। सेकेंड इक्वेशन कैसे बनेगी, जब 13 आवर्स लग रहे हैं, ठीक है, तो डाउन अप स्ट्रीम में डिस्टेंस कितनी है 40 एंड स्पीड कितनी है एक्स माइनस वाई, प्लस डाउन स्ट्रीम में डिस्टेंस कितनी है 55 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई, ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, वन अपॉन एक्स माइनस वाई को ले लेते हैं ए एंड वन अपॉन एक्स प्लस वाई को ले लेते हैं बी, ठीक है। तो यहाँ से ए और बी की वैल्यू निकालते हैं, देखो 30A + 40B इज इक्वल टू 10, एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा, 40A + 55B इज इक्वल टू 13, ठीक है। अब ए और बी की वैल्यू निकालने के लिए इसको हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको 3 से, ठीक है। तो नई इक्वेशन क्या आ जाएगी, पहले वाली इक्वेशन आएगी 120A + 176B इज इक्वल टू 40, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120A + 165B इज इक्वल टू 39, ठीक है। अब दोनों इक्वेशन को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस माइनस एंड माइनस, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से 11B इज इक्वल टू 1 आ गया, तो B की वैल्यू आ गई 1/11, ठीक है। किसी एक इक्वेशन में B इज इक्वल टू 1/11 रख देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, A की वैल्यू, तो ठीक है 30A + 44B इज इक्वल टू 10 थी पहली इक्वेशन, तो इसमें हम बी इज इक्वल टू रख देंगे 1/11, 1/11 रखेंगे तो ये 4 आ जाएगा यहाँ पे इज इक्वल टू 10, तो ए की वैल्यू आ गई यहाँ से 6/30 इज इक्वल टू 1/5, ठीक है। तो ए और बी की वैल्यू आ गई, ए को हमने क्या लिया था ये एंड बी को ये, ठीक है। तो ए इज इक्वल टू क्या था हमारे पास, ए इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू क्या, 1/5, एंड बी इज इक्वल टू क्या एज्यूम किया था हमने, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू बी की वैल्यू हमने क्या निकाली, 1/11, ठीक है। तो यहाँ से एक्स माइनस वाई की वैल्यू आ गई 5 एंड एक्स प्लस वाई की वैल्यू आ गई 11, ठीक है। इन दोनों इक्वेशन को हम ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 2x + 0 इज इक्वल टू 16, ऐड कर रहे हैं तो 16, तो एक्स की वैल्यू आ गई यहाँ से 8, ठीक है। तो बोट की स्पीड आ जाएगी अपने पास 8 एंड स्ट्रीम की स्पीड इन दोनों में से किसी एक इक्वेशन में वाई एक्स इज इक्वल टू 8 डालेंगे तो वाई इज इक्वल टू आ जाएगा 11 - 8, तो वाई की वैल्यू आ गई अपने पास 3, ठीक है। तो स्ट्रीम और बोट की स्पीड की आ गई अपने पास, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम वो आ गई वाई थी, तो y अपने पास आया 3 एंड बोट की स्पीड x इज इक्वल टू आ गई 8।